नदी पे इतनी भीड़ क्यों है? आइए चलते हैं। और चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप देखें चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और आप देखें कि इस तरफ से पानी जा रहा है, यानी नदी विशाल संख्या में आई है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये जल स्तर जो है काफ़ी तेज़ दिखाई दे रहा है। तो इतने लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कोई न कोई बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आशा की जा रही थी कि जिलों की नगरी में अच्छी बरसात होगी। सुबह 6 बजे ज़बरदस्त बिजलियाँ कड़क रही थी। लगता ऐसा है कि जैसे कोई इतनी बड़ी नदी लगता है, संकेत दिखाई दे रहे हैं जैसे बहुत बड़ी, लग रहा है कि बहुत विशाल संख्या में नदी आ रही थी। आखिर क्या कुछ हुआ है, हम चलते हैं। और नदी जिस प्रकार से, और बाप रे, अरे भाई साहब क्या बात है, अरे बाप, अरे अरे इतनी जलमग्न नदी और इतनी विशाल, जहाँ लास्ट 7 फीट गई थी वहीं देखो आप, लास्ट हम देखा था पूर्व में 7 फीट गई थी और अब पता ही नहीं लग रहा है कितना फीट आ रही है। भाई साहब बहुत तगड़ा काम हुआ है, प्रकृति ने तो इंद्र देवते मेहरबानी कर दी है, ज़बरदस्त। हाँ फूल है कतरो है 11 फीट। अरे वाह, 7 फीट से 11 फीट, वाह साहब। तो आप देखें कि नदी का जल स्तर देखिए, पता ही नहीं लग रहा है और कितनी नदी आई है कुछ पता नहीं। और लगातार बरसात जो है हो ही रही है अभी तक। लोगों की यहाँ कतार देखो, उल्टे खड़े रह कर देख रहे हैं, सीधे नदी की तरफ नहीं है, नदी का ध्यान इस तरफ। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर नदी का ज़बरदस्त जल स्तर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि नदी का जल स्तर इतना ज़बरदस्त। तो सबसे ज़्यादा बुजड़े की नदी फास्ट आई है, वाह से वाह। नई की नदी जितनी नहीं जितना बुजड़े के, वास्तव में इन पहाड़ों में इस तरफ ज़्यादा बरसात हुई है और उसी से देखिए नदी विशाल संख्या में देखिए बहती जा रही है। और इस तरफ आप लोगों की भीड़ अगर देखेंगे तो ज़बरदस्त भीड़ है। प्रशासन की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। दोपहर का समय है, एक भी हमारा पुलिस का जवान यहाँ मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी नदी विशाल आ रही है, ये है हमारे उदयपुर की हालत, ये है हमारे जिलों की नगरी की हालत। जो शासन और प्रशासन जिम्मेदारी लेता है वो जिम्मेदारी है ही नहीं यहाँ। तो आप देखिए धीरे धीरे नदी का जल स्तर जो है वो लगातार किस प्रकार से ज़बरदस्त विशाल में है। हाँ, ज़बरदस्त चल रही है। और 11 फीट नदी जो है वो बता रहे हैं 11 फीट है। देखो अब नगरवासियों को दुगनी खुशी हो गई है। पहले तो जिले भरने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है कि उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। और यहाँ देखो सब प्रसन्न हो रहे हैं बड़े भाव से, आ हा हा, बड़े हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नदी के जिलों की नगरी, अगर जिले नहीं भराए तो काहे की जिलों की नगरी, मजो आई गयो। हमारे दर्शक कह रहे मजो आई गयो। पिछले कई दिनों से मैं आपको नदी के दृश्य बता रहा था, लेकिन आज के दृश्य ऐसे है कि यहाँ की फसल वसल सब बरब हो गई पानी में। हाँ, घी भैंस पानी में, ये देखो पूरे खेतों में जहाँ पहले सन्नाटा हो रहा था और अब देखो देखते देखते पूरा जलमग्न हो गया है। सामने मंदिर तक जो है वहाँ पानी चला गया है और पानी की तीव्रता आप देखें कि रोक नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त है। लोगों की जो कतार देखने के लिए लगी है, अभी तो कुछ नहीं, मुझे लग रहा और भी आने वाली है, क्योंकि अभी नदी सिसारमा नदी रो पानी है कैसे हो मुंडो नहीं रो बुजड़ा ज़्यादा है तो आप देखें कि ये जो पानी है बुजड़ा नदी का बता रहे, एक बहुत तेज़ आवक जो है वो हुई है। हालांकि नई की तरफ से आने वाला पानी वो भी लगातार आ रहा है, दोनों ही नदियों का संगम है। अब लगता है कि फतेह सागर को ज़्यादा देर नहीं लगेगी अब भरने में, अब फतेह सागर जल्दी फुल हो जाएगा। और लैक पिचोला झील जो कि 6 से 1 फीट खाली है, वो भी मुझे लगता है अब भरने की काफ़ी उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। लेकिन अभी के ताज़ा दृश्य आप देख पा रहे हैं जहाँ नदी अपने जल स्तर पर पूरा गेज है वो भी छुप गया है, 11 फीट से भी ऊपर ये नदी जो है बह रही है। पूर्व इतनी बड़ी विशाल संख्या में नदी का फुल होना वास्तव में विश्वास नहीं था कि इतनी नदी आएगी, लेकिन आई और लोगों ने, दर्शकों ने देखी भी है, हमने भी देखी है और आपको भी दिखा रहे हैं।
तो 3 सितंबर 2024 का दिन है। लगातार उदयपुर में हो रही बारिश, सिर्फ कल इतनी ज़बरदस्त उमस हुई थी कि लोग फिर एक बार पसीने में लबालब हो गए थे, और उसके बाद रात को जो इंद्र देवता ने मेहरबानी की है, वास्तव में ज़बरदस्त मेहरबानी हुई है, और उसके बाद बरसात जो है अच्छी बरसात यही आई है। दृश्य आप देख पा रहे हैं, सिसारमा नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है, झीलों की नगरी की झीलें भरने वाली नदी। लोगों की कतार देखो आप, चारों तरफ आप लोगों की कतार देखेंगे तो यहाँ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। उदयपुर जिला की नगरी थी भरवा वाली सब मोटी नदी सिसारमा नदी रो आप यो पूरा आँखों देखो दृश्य देख ही रहा हो, जो नदी देखो आप पूरी अपनी सीमाओं और भी ऊपर जो है लगातार वही रही है। नदी रो जो जल स्तर है वो लगातार बेहतर जी रो, रातें भी इंद्र देवता की कृपा और मेहरबानी अतरी जबरदस्त बारिश हुई है, कड़कड़ाती बिजली री लारे जो वर्खा भी है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और अटे देखो भारी संख्या में मोटी भीड़ लगी गई है और लोगों लगातार कतार जो है वो अटी ने बढ़तो जी रो, चाहे ग्रामवासी हो चाहे नगरवासी हो, सब अटाई देख ही रहा है। आपने कितनी देर में देखता देखता 10 मिनट हाँ कई देखियो 10 मिनट में अच्छा पानी आई रो सर, बढ़िया पानी आई रो। हाँ बढ़िया पानी आई रो, कितनी मोटी बात है। हाँ बढ़िया बात है सर, जाता जाता छेड़ा पूरा पानी भर दी तो पहला सा नजारो नहीं देखो पहलो नजारो पहलो 12 फीट आई रही है। तो आप देख ही पाई रहा हो कि यो पहलो नज़ारो है, जटे दो ही मित्र आराम हो देखो नदी ने देख ही रहा है कि यह नदी इतनी बढ़िया आई है। कौन कौन मिले जिला री नगर री भरभरी उम्मीद है भर जाएगा भर जाएगा डेफिनेट भर जाएगा मेरे बेरबर व्याज देता। हाँ बिल्कुल व्याज। तो आप देख पाई रहा हो कड़ी प्रकार हूँ अटे सभी जितना भी नगरवासी है आसपास रहा लोग है वे अटा तक देखवा बात आई रहा है, युवा देखवा बात आई रहा है, और सब मोटी बात यह है कि आज मछली मार अटे नहीं है, मछली मार आया नहीं पकड़िया नहीं, तो यह एक बढ़िया बात है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहे, जीव हत्या एक पाप है, और यह एक बढ़िया बात है कि जिला री नगरी हूँ अपनी हत्या री नगरी नहीं है और यह जिला री नगरी है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि मछली मार जो है आज पूरा पूरा गायब है, और नदी रो 11 फीट रो जल स्तर देखने अच्छा अच्छा लोग अटे हैरान हो गया है अतरी नदी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वास्तव में आँखों देखिए तो आँखों पे विश्वास नहीं वीरो अतरी नदी आई सके। और आपने मटी कितनी आई अतरी बहुत आ रही जोरदार आ रही कोडिया से आ रही है गाँव पानी भेजो कटे जाइ जी सुरूप सागर सिटी में। हाँ कड़ी तालाब में जाए ये फतेह सागर और ये सुरूप सागर। हाँ पचे अरे आगे नीचे और जाएगा उदय सागर तालाब पे तालाब। हाँ तालाब पे तालाब। तो काफ़ी उम्मीद जो है वह काफ़ी लागरी है और काफ़ी युवा जो है अटे देखवा बात आई रहा है। कुल मिले नज़ारो उतरो जोरदार है कि शायद अच्छा पल देखवा मिले कि नहीं मिले कहीं लागी रहो लग तो ये रहा है कि पहली बारिश में बरखा अतरी बढ़िया तेज आई है तो उल्लास है जिला वगैरह सब फूल भी जाएगा काले दन्ने तो नहीं आई रात में बारिश में अतरो गर्दो है अच्छी बात है। तो देखिए मेरा जटे जितना भी लोग आया है वे अटे बड़ा पसंद है कि नदी जो है 11 फीट लगातार नदी जो है वाह वह रही है। अटे आप देखो धीरे धीरे जो है कतार या वेली की एक मोटी बात यह है कि अटे एक भी पुलिस वालों एक भी सरकारी ड्यूटी रो कोई ऑफिसर नहीं है जो अटे ध्यान रखे अटे कोई हादसों भेजा या अटे कोई परेशानी भेजा तो अटे एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है जो जिम्मेदारी लेवे कि मां रक्षक हाँ और रक्षक ही अगर नजर नहीं आए पे कोई हादसों भेजा पचे नजर आवे तो यह एक मोटी बात है। समय वो पहले ही अगर आई जाए तो ज़्यादा बढ़िया बात है। जनी प्रकार नदी चाली थी अपनी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है एक सुरक्षा बल यहाँ पे कोई लगाया जाए ताकि कोई अनहोनी की मतलब घटना नहीं हो ऐसी। तो सब रो यही कहना है कि वास्तव में सुरक्षा जरूर अटे बेनी चाहे लेकिन वास जो सुरक्षा है वाह अटे जीरो दिखाई रही है अतरा मोटो है थानों है व्यवस्था है लेकिन अटे है नहीं। और नदी अतरो जल स्तर अतरो तेज है कि मान लो कंडो हाथ छूट जाए या कोई पड़ जाए तो पतो नहीं कहीं हादसों भी जाए, इसलिए प्रशासन ने अटे रहना काफ़ी जरूरी है, यातायात्री व्यवस्था के लिए भी रहना जरूरी है। काफ़ी मोटी संख्या में अटे लोग आवे और घटना दुर्घटना कोई कहीं नहीं आवे यही बात है सब ने अटे ध्यान रखना चाहे 11 फीट नदी लगातार वही या जो वही रही है। और देखो देखवा बातें बुजुर्ग कई बच्चा कई सब अटे जो है देखवा बातें जुमी रहा है। और मैं आपने बताऊँ कि आज दो दिन पहला कई पानी नहीं हो अटे बिल्कुल व्यवस्था जी ही अटे अटे जो बिल्कुल कई नहीं हो
और देखते देखते जो बरखा आई है आप देखोगे 11 फीट है, और वो रूंगड़ो, वो जो बीच में जो पेड़ है जामुंडो पेड़ है, वो कई सालों आज भी जो है जमे लोगो है। और केवे है कि रेवे नंदीरा गुजला रेवे नंदीरे बीच जंडो इरादो पक्को वे, जंडो इरादो पक्को वे मंडो कई नहीं वाल बाल माको नहीं वैसे के कई सालू बनी रुकड़ा ने मां देखी ना आज भी वो रुकड़ो मजबूती खड़ो है। 11 फीट गई 14 फीट नदी भी आएगी तो भी वो रुकड़ो आज तक नहीं हालियो। कई कहना आपने उदयपुर नगरी में जो वर्षा आई है बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हाँ बारिश रो, और आखिर में आज यो अवसर मिल गयो है नदी वदी देखवा रो बारिश रो, और बारिश आई गई है उदयपुर में, वेलकम भी गयो आज काफ़ी अच्छो मौसम है। और अन्य तरीके उम्मीद कर रहा कि 12-15 दिन तक असूच मौसम रहे और जतरे भी नंदिया वंदिया तालाब वलाब सब है सब भर दे आप लोग उदयपुर आसपास रहा क्षेत्र का। तो आप देखो अपनी संस्कृति अपनी भाषा अपनी अपनों मेवाड़ और आपा तो आपा सब एक हंडे आज, हाँ तो आज अपा सब एक हंडे देखो आप देखो कड़ी प्रकार खेता में जो है लगातार खेत भी जलमग्न हो गया है। वास्तव में मोटी खबर जो है आप हमारे चैनल पे देख पाई रहा हो, जिला री नगरी पे देख पाई रहा हो, उदयपुर ने देख पाई रहा हो, मेवाड़ी संस्कृति ने देख पाई रहा हो, कड़ी प्रकार नदी रो पानी देखो कशो छल छल करते जा रो है वास्तव में। और अशीरो इंतजार कल्पना ही नहीं की थी कि अतरी मोटी संख्या में वर्खा आई अतरी मोटी नंदी आई विचार ही नहीं की दो, लेकिन जिस तरह आज दृश्य देखियो तो अरे सिसार माँ पे मोटी तरह को लैंड लागी नहीं होगा आज इतनी नदी आ गई। आप कहीं देखियो अरे कहीं देखियो अरे हैरान बहुत ही जोरदार सिसार माँ नदी में अतरो बढ़िया पानी आई रो कि झंडी कोई हद नहीं सामने आओ और देखवा ना हो उदयपुर में चार चांद लागवा वाला है। एक पानी चला आप जंडे माया भीड़ देखिन कई लागो भीड़ देखने लागे जाने मेलो हरियाली में तो मेलो दूसरी बार भरे ही रोटे पता बीच अणी के नाम सिसार में नदी रटे हरियाली में उसरो मेलो है कि सिसार में नदी रो रेलो है अबे रेलो तो ही मान लो। तो आप देख पाई रहे हो कड़ी प्रकार हूँ खेत जो है वो भी जलमग्न जो है वो भी है और पूरो दृश्य आप देख भी रहे हो 11 फीट ज़्यादा नदी जो है लगातार बह रही है। और आप दृश्य आपरे आख्यार हम में है किस प्रकार कड़ी प्रकार देखो लोग अटे लगातार आता जी रहा है लगातार अटे जो है नंदी देख पर जो है चाहत में लगातार आ रहा है। ये देखो माने कालू जी भी आ गया, कालू जी कई कई देखियो देखते ही पहली यात्री भीड़ की देखी अरे मजा आ गया सर पूरा बारिश आई है तो आज सुबह तो अपने सिसारमा की नदी आ रही है भरपूर। ये भगवान या हिंदी तो पीछे नहीं छोड़ी रही है लोग, अरे जैन में खाली एक ही चीज़ है हिंदी मेवाड़ी और अपनी संस्कृति मेवाड़ी संस्कृति के बारे में कोई जाने ही कोई नहीं। मेवाड़ी संस्कृति देखो कितनी बढ़िया नंदी आई रही है अच्छी आई रही है मो आयो देखियो और हमारी तो आँखियाँ फाटी फाटी रहेगी। अच्छा, तो अड़ी प्रकार हुए सब तो मजे आवे देखो कतरा मुस्करी रहो मारो भाई है आप देखो दृश्य आप देख पाई रहे हो तो आप देख पाई रहे हो कतरो जबरदस्त जो है दृश्य आप देख ही पाई रहे हो हमारे चैनल पे देख ही पाई रहा हो। और वीडियो अगर अच्छो लगो तो वीडियो ने लाइक जरूर कर दो। उदयपुर यो खूबसूरत सिसारमा नदी रो दृश्य है जटे देखो नदी जबरदस्त उफान पे चली रही है अशो दृश्य पाछो आपने देखवा नहीं मिलेगा अठे देखो। और घड़ी री अपा बात करा तो अबार घड़ी में 12 बज गई है और 12 बजे अब घड़ी में अबे लोग धीरे धीरे जो है बरखा बंद हुई है अबे लोग जो है सुबह लगे नबार तक मूसलाधार वर्खा बहरी और लगातार जो है वर्खा का दृश्य आप देखिए थोड़ी देर में अगर प्रशासन नहीं आया तो अटे मोट तो जाम लग जानो है। और देखो आज एक भी मछली मार अटे नजर नहीं आई रो सब गायब हो गया सब ने पकड़ पकड़ ले जी रहा तो यो बढ़िया बात है कि जीव हत्या नहीं करनी छावे जीव हत्या जो है आज देखो कि आज बिल्कुल शांति है। बाकी अबार तक तो हजारों की संख्या में अटे जो मछली मारवा वाला वे मौजूद हुए था लेकिन आज एक भी नहीं है। चलो पुलिस वाला रही या तो मेहरबानी रही कि जीव हत्या नहीं करवा दे रहा है। तो आप देखो काफ़ी लोग अटे मौजूद है और सब बड़ो आनंद ले रहा है पूरा खेता में जलमग्न वेगियो है। और किस लगो आज आया मेवाड़ी आती बड़ी कम आती है कसो लगो अटे इन पे देखियो अच्छा लग रहा है पानी देखने आए थे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी चल रहा है बहुत टाइम बाद देखा मैंने तो उदयपुर में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेवाड़ी नहीं आती बढ़िया लाग रहे हो है पानी आई रहो है साग जो सारा सब उदयपुर उदय जाएगा उन पे गुंगरगढ़ जाएगा पानी और फतेह सागर 19 भराएगा। तो आप देखो कि बाकी एक बार फिर वर्खा शुरू होगी है रिमझिम रिमझिम और वर्खा लगातार कई दिनों वर्खा जो है लगातार वर्खा जो है वह आ रही है
लोगारी जो कतार है वह लगातार बढ़ती जा रही है और सब देखो बातें जो है एरिया है। और अबार सब मोटी बात यह है कि आठे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अबार कोई मौजूद नहीं है। अगर सुबह आया हुए तो अलग बात है, प्रशासनिक अधिकारी ने अटे मौजूद रहना छावे, क्योंकि कोई भी घटना दुर्घटना वही जाए तो उनके लिए जिम्मेदार प्रशासन है और हमारा अपना तंत्र है। तो तंत्र ने पूरा ध्यान रखना छावे, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपनों मेवाड़ी रक्षा सुरक्षा बनानी जिम्मेदारी है। देखो लगातार लोगारी जो कतार है वे नगरवासी जो है लगातार देखवा वाते आ रहा है, लगातार अंडवा जो है आनंद ले रहा है। और आप भी देखो कितनी लंबी कतार है और लोग कोई छतरी लेने आया है कोई वैसे ही आ गया है और पूरी हर एक दृश्य ने अपनी अपनी आँखों देख ही रहा है। तो कठिन कटे एक उम्मीद भी कि वर्का आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वर्का आई है और वर्का ने देखो रहा बात देखो गावरा लोग कहीं शेररा लोग कहीं फलारा लोग कहीं कलारा लोग कहीं हंगला अटे पहुँची गया देखवा बातें 12 फीट लो बोलो अबे 11 फीट वो लेगी 12 फीट ने थूके करो हमारा भाई जो भी कहीं करी रहो। तो आप देखो कि नदी रो जो ये दृश्य है बड़ो ही मनमोहक और सुंदर दृश्य है जिन्हें देखो रहे बातें अठे सब आया है और सब बड़े ही भाव ला रहे अंडे देखो आल ले रहा है। देखो मोटो रुकड़ा आयो देखो अतरा मोटा मोटा रुकड़ा वही नहीं रहा, ये मोटा मोटा रुकड़ा जो है वही नहीं रहा है पूरा पूरा जैसे जड़ा मूल बोलिया जो है वही रहा है। और बोलिया ने देखो बातें देखो उलवनी तरफ गया देखो कई वे कतरा मोटो देखो चलो भागदड़ एक बार देखो 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 मची होड़ मचगी है होड़ मचगी देखो बात है रुकड़ा आयो देखा कई हाँ कई देखियो आदि ने हो आनंद मंगल है पानी बहुत बढ़िया बढ़िया आई रो जोरदार आई रो नगरी फुल फुल है फुल वेगी है फुल वेगी है दूसरा दूसरा पे विश्वास नहीं आंखों देखियो आंखों देखियो है हाँ यो कहीं अपनी जगह पे विश्वास बाकी दूसरे जगह पे विश्वास नहीं विश्वास है क्यों नहीं है सब विश्वास है पानी आई हूँ बहुत बढ़िया पानी पानी देख हाँ रूपो दादो ऊपर माँ दादा ए माँ दादो ऊपर आप तो माँ दादो ही देखो ये देखो रूपालो गट का दादा दाढ़ी नहीं बनी दाढ़ी दाढ़ी काले बनाई हाँ हाँ दादी वो हीरो नहीं लगी दो आज मारो। तो आप देख ही रहा हो कि उदयपुर अड़ी खूबसूरत नदी रहे हाँ अठे लोग जितना भी आया है लोग जो आया है वे अपने आप ने रोक नहीं पा रहा है और आख्या माते विश्वास कर रहा है कि एक बार मैं मेरी आंखों देखूंगा तो ही काम चलेगा। नंदी कतरी आई रही कतरी देखी अभी 13 फीट आ रही है अभी सिसारमा नदी 13 फीट आ रही है आ रही है अभी अभी लाइव बता रहे हैं ये अभी नगर भाषा में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है अपनी जो उदयपुर जो नदी है यह सब मोटी नदी है और यह यदि नदी आवे हरी पूरा बरसात बीत गया लेकिन 7 फीट ज्यादा आई हो सब लेकिन हरी बार जो है 13-14 फीट आई है कई क्यों आज सुबह 5:30 बजे वर्षा आई रही है जोरदार अबार अनि सीजन री सब फर्स्ट नदी और सब बढ़िया जो बरसात हुई है वह आज ही हुई है और वही हिसाब हूँ आज अतरी वाकई में अबार तक अनि सीजन में कदी भी 5-6 फीट ज़्यादा ही पानी नहीं आयो और अबार जो पानी आई रो वो करीब 10-12 अबार थोड़ा कम पड़ गयो वाचो वैसे तो 12-15 फीट से ज़्यादा जा रहा था 15 फीट वो तो पानी जाइ रो रहा सब खेतों में ये नेड़ा खेत है ये अटीन अमृत कूड़ा वटी रूण रहा सब खेत सब में पानी भर गयो अबार और सब पिछोला में जाइ रो और मानो वाणी कलेक्टर साहब निवेदन है इरीगेशन डिपार्टमेंट वालों के भाई काला कमाड़ रहा गेट पर खोले यो पानी यानी फतेहसागरी नहर में नहीं आएगा नहर में नीम आएगा और पानी वतो जाएगा तो यो पानी ओवरफ्लो भी नहीं जाएगा नहीं वहाँ गेट खोल दे और आड़ी नदी में थोड़ा छोड़ जा रहे थोड़ा थोड़ा बड़ी संख्या में लोग है लेकिन प्रशासन और अधिकारी कोई भी नहीं है देख लो अब पुलिस वाला तो पहले घूम रहे थे आए थे चक्कर काटे गए पर वो ज़्यादा हाँ यहाँ पर वो इरीगेशन वालों को और उनको भी रहना चाहिए ताकि वो ये देखते हुए वहाँ आगे की व्यवस्था कर रही हूँ आगे की व्यवस्था उदय सागर में कितना पानी छोड़े नहीं तो क्योंकि ये फिर इतना पानी अभी वापस इकट्ठा हो जाएगा शाम तक कल तक रहेगा ये और कल तक भी 7-8 फीट से कम नहीं होगा बरसात नहीं भी आएगी और बरसात आ रही है अभी 2 दिन का और है तो इसलिए इनको पानी अभी से कम 2 फीट पिछलों को खाली रखना चाहिए ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हो। सारमा नदी का जलस्तर इतना ज़बरदस्त हुआ है कि लगभग 13-14 फीट नदी बह रही है और अभी भी नदी का जलस्तर जो है उफान पे है
कह नहीं सकते कि नदी और बड़े बड़े बम्बुल के पेड़ और कई ऐसे बड़े पेड़ है जो लगातार नदी के अंदर आ रहे हैं, लगातार जानवर जो है वो बेकर आ रहे हैं, ये अच्छा है कि इंसान नहीं बह रहे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे लिए कि उदयपुर में मेहरबानी इंद्र देवता ने की है और उसकी खुशी की लहर यहाँ पूरे नगरवासियों में जो है वो देखी जा रही है। लोग उमड़ पड़े हैं, जैसे ही लोगों को पता चला कि नदी इतनी फुल आ रही है उसके बाद लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और अपनी गाड़ी लगाकर या साइकिल लेकर या फटपटिया लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुल मिला के नदी का आनंद जो है वो लिया। हाँ, एक नंबर नदी का आनंद ले रहे हैं। आप घर से भी देख सकते थे टीवी पे? घर से इसलिए नहीं देख सकते थे कि मजा नहीं आता है, आंखों देखा हाल, आंखों से देखते जो चीज मजा आता है, आंखों देखे विश्वास, और आंखों पे जो विश्वास होता है ना वो मोबाइल पे भी नहीं होता। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अंधभक्त नहीं है? अरे वाह वाह वाह, ये अंधभक्त नहीं है और ये नदी के हमारे प्रकृति प्रेमी है। नदी लगातार देखिए बहती जा रही है, लगातार का नदी का जल स्तर बहुत ही जबरदस्त है। हाँ क्या रहा? बोल मजेदार। आप बोलो हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, कैसा रहा? बिल्कुल मजेदार है, मजेदार है। चेक मामला कितना है, कितनी है, कतरी आई रही है? हिसार में गाल नहीं नबार, कतरी है 5-7 फीट ज्यादा रहेगा, 14 फीट है। तो नदी ये बरसात की हमारी पहला था जब ये इतनी बड़ी, क्या हुआ साहब? बहुत खुशी की बात है, आज हमारे क्षेत्र की पहली जो ओवर फ्लो नदी हुई है सिसारमा की, इस नदी से हमारे उदयपुर में तालाब जो लबालब भरेंगे और पर्यटक का मनोबल बढ़ेगा और अच्छा रोजगार मिलेगा लोगों को, बहुत खुशी की बात है। आज मैं ये देख रहा हूँ नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है ऑटोमेटिकली, ये प्रगति की नदी है तो उनको रास्ते का ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रास्ता ढूंढ लेती है, सारे चीर के निकल गई है। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी खुशी होती है जब जिले लोग हमारे क्षेत्र में ये जब सिसारमा नदी और जाती है तो हमारे दिल की खुशी होती है, हमारे रोजगार मिलेगा, पर्यटक का बढ़ावा मिलेगा, इसलिए हमको बहुत खुशी की बात है। हम पहले कहते थे बुजड़े नदी पहले आएगी तो काल पड़ेगा, लेकिन इस बार पहली बार भी बुजड़े आई और इतनी बार भी बुजड़े आई, तो साहब ये तो काल्पनिक बातें हैं, तो ये प्रगति से कौन चैलेंज कर रहा है, बुजड़ा का इतिहास बदल दिया इस नदी ने। बिल्कुल सर, सामने आपके सामने ही कहते थे बुजड़ा नदी पहले आएगी तो काल पड़ेगा कई सालों तक, लेकिन दंत कथा है, बाकी ये तो कुदरत से कोई भगवान से बड़ा कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए देखिए प्रकृति का नियम है, प्रकृति ऐसी है कि प्रकृति, देखो प्रकृति का रौद्र रूप देखो आप, ये रौद्र रूप है और सुबह ये नदी और 2 फीट ऊपर चली है और अभी जो है कम हुई है। मैं मामी साहब नमस्ते, नमस्ते। अरे देखो मामी साहब भी नदी देखने आते आया है, हाँ गले भी चालांगा, रोटी खावांगा, चाय पियांगा, देखो रूंगड़ा इरा मोटा मोटा, बहुत ही शानदार नदी, नदी का दृश्य आप देख पा रहे हैं जहाँ लोग, हाँ 12 फीट आएगी, 12 फीट नदी रोज नदी का जल स्तर मामी साहब, हाँ आई रू। तो आप देखो कि दृश्य आपके सामने है और ये गौरी वाले भैया भी आ गए, खटे नाची रही नहीं में नाची रही, हाँ क्या हाल है बताइए जी। तो देखो नदी का जल स्तर है आप देख पा रहे हैं, धमाके से नदी जो है लगातार जा रही है, लगातार नदी का जल स्तर, और देखने के लिए यहाँ क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या हुआ? बहुत अच्छा, नदी चल रही है, बड़े चल रही, बिल्कुल। टीवी पे देख लेते, टीवी पे मजा नहीं आता, और खाते खाते मजा ले, जब तक आंखों देखे हम नहीं देखते जब तक विश्वास नहीं करते। जी क्या देखियो? बहुत बढ़िया, ये तो लूडो खेलेगा। अच्छा लूडो, लूडो नहीं खेलना अपने, क्या लगे लागो? बढ़िया लगी रो, एकदम बढ़िया लगी रो, कहो इतना भीड़ क्यों आई? आस लग रही है शाम तक, शाम तक स्वरूप सागर के गेट भी खोल दिए जाए। पकड़ने वाले को पकड़ के ले जा रहे, तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार से नदी का जल स्तर, नदी का, और हम अभी दिखाएंगे कहाँ कहाँ जलमग्न जो है वो हो गई है, इतनी विशाल संख्या में नदी का आना, देखिए कितनी बड़ी संख्या में, आंखों पे विश्वास, बहुत अच्छा पानी आया, देख लिया, बढ़िया लगो। अरे तो देखो नगरवासी लगातार इसको देखने के लिए आ रहे हैं, और क्या अनुभव रहा? अच्छा, अनुभव क्या रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, इंद्र भगवान मेहरबान हो रहे हैं, जिलों की नगरी में मेहरबान हो गए इंद्र देवता, उदयपुर में बहुत टाइम बाद मेहरबान हुए भगवान। देखो हमारे तिलक लगा के महाराज आए हैं। हाँ जी महाराज जी, क्या खबर है? क्या खबर है, देख लो नदी आ रही है, खबर हो गए, सबर है अब तो, सबर सब सबर है, पहले तो सबर नहीं था, पता नहीं ये तालाब भरेगा कि नहीं भरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे हम सही मोड़ पे जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो वाली पे आई थी नहीं यार वीडियो, कौन सी मांगल वाली। तो अलग अलग हमारे हिंदू धर्म और हमारे लोक त्योहार और हमारे गौरी जैसे नृत्यों में भी कामना की जाती है कि आप किस प्रकार से करो ना भक्ति शक्ति संस्कृति गूगल में नहीं यूट्यूब पर भक्ति शक्ति संस्कृति। तो पानी देखो आप किस प्रकार से घूमड़ घूमड़ करके तीव्र गति से लगातार जा रहा है और तेज मूसलाधार संस्कृति बोल दो ना एक जगह भक्ति शक्ति संस्कृति आइयो आदो पानी वत वत पर भवंडर को आइयो फर्स्ट वालों और चैनल का सब्सक्राइब करो ना इन्हें आएगा कटू भक्ति शक्ति संस्कृति जिलों की नगरी और संस्कृति सभ्यता दो चैनल है ना इंस्टा पे मेरा नाम है गोविंद लाल सब्सक्राइब करो इन चैनल एक और दबाओ तो आएगा मांगल कावड़ की लेके गए थे ना सब बैठे बैठे खाना खा रहा था बकरी बकरी पहन रखी थी सब अड़ी पे ही थे। देखिए लोगों की बड़ी कतार में बड़ी बड़ी कतार में ये अपना है ना ये अपना ठीक है नहीं अपना नहीं ये नहीं मेरा गोविंद लाल के नाम से गोविंद लाल बुक वाले पुल पे जाना था छोटे वाले कह रहा हूँ ना जिलों की नगरी संस्कृति सभ्यता उदय मेवाड़ और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ लगातार देखने के लिए आ रहे हैं लगातार लोगों का तांता जो है देखने का लगा हुआ है और नदी अपने चरम पर है फुल उफान पर है 14 फीट के आसपास नदी चल रही है नगर वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये जगह जगह देखो सारे नदी नाले उफान पर है ये कल्पना नहीं की थी इधर से पानी आएगा ये देखिए पूरे खेत जलमग्न हो गए हैं चारों तरफ जलमग्न की खबरें जलमग्न की रिपोर्ट है ये पूरी और उस तरफ तो हम जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उस तो उधर से पानी भरा होगा तो चलिए अब हम चलेंगे जहाँ पानी भर गया है उन इलाकों में चलेंगे थोड़ा सा वहाँ देखेंगे क्या कुछ हो रहा है इसीलिए गाड़ी को दूर खड़ा किया और अच्छी भुट्टो वालों की अच्छी आवक हो उनको बधाई शुभकामनाएं लोग अपना ध्यान रखें पानी से दूर रहें जल है तो जीवन है जल नहीं कल नहीं। देखिए सब तरफ से पानी आया और ये मुक्ति मार्ग है जहाँ पर कुछ दिनों पहले सफाई किया था लेकिन कुदरत ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया ये देखिए। तो आप देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ भारी भरकम भीड़ है और नदी का तैर देखो अभी कुछ दिन पहले लोगों ने यहाँ समाज सेवियों ने मिलकर साफ किया था लेकिन कुदरत ने इसको ऐसा साफ किया कि वापस मुझे नहीं लगा। कैसा लग रहा है बिल्कुल अच्छा तो देखिए आपके यहाँ दृश्य आप देख पा रहे हैं पूरा जलमग्न हो गया है बधाई शुभकामनाएं। हाँ गटे ये किशन जी ये अच्छा यही जगह ही अच्छा अनारिस कृपा भी गई ओ किशन भगवान हाँ यही दिख रहा मैंने अलादीन दा चिराग हाँ हाँ क्या बात है। तो यहाँ पर सिसारमा नदी देखो देखने के लिए देखिए बड़ी संख्या में भीड़ लगातार यहाँ उमड़ रही है लोग लगातार देख देख कर देखो 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 जा रहे हैं और नदी का दृश्य देख लिया बिल्कुल। और इस तरफ से हम अगर देखेंगे तो आगे तो पूरा पानी भरा हुआ कैसे जाएंगे। तो उदयपुर की सिसारमा नदी उफान पर 14 फीट से भी ज़्यादा ये बह रही है सुबह सुबह यहाँ पे भी पानी था और अभी थोड़ा पानी कम है
आखिर ये जाए तो जाए कैसे? तो आप देखें तो सिसारमा नदी का ये उफान आप देख पा रहे हैं, 14 फीट है, 12 से 14 फीट तक का उफान है और लगातार ये देखिए सारे पेड़ पौधे सब गायब हो गए। पानी का तेवर इतना जोरदार था, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भैया यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे जाने की जहमत नहीं किए क्योंकि आगे हो सकता है कि ज़्यादा गहरा हो, इसलिए आगे नहीं गए हैं। और आप देख रहे हैं उदयपुर से सबसे बड़ी खबर, जहाँ सिसारमा नदी अपने जल स्तर से रौद्र रूप में आ गई है और बड़ी रूप में लगभग 12 से 14 फीट तक नदी बही है और मूसलाधार हुई रात की वर्षा ने वास्तव में। और परसों जो हमने देखा था, कल हमने देखा, पूरे दिन उमस हुई, गर्मी हुई, लोग परेशान हो गए, लोग इतने परेशान हो गए गर्मी में पसीने छूटने लगे, वहीं आज आप देखो जलमग्न कर दिया है मेवाड़ की धरती पर। बरसात ने ऐसी दस्तक दी है कि जो गाड़ियाँ आग उगल रही थी वो गाड़ियाँ पानी उगल रही है। देख लो आप, देखो पानी का दृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गाड़ी जो है लगातार निकल रही है और दृश्य मेरे पैरों तक पानी आ गया, और क्या चाहिए और बोलो। तो बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है, एक मोटरसाइकिल वाले भैया भी आ रहे हैं, तो नदी से थोड़ा दूर रहें, ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कैसा लगा आज ये पूरा अनुभव? क्या लगा, मेरे होटल जाना था कैसे जाऊं? मेरी हालत खराब हो गई, बुलेट वहां अंदर डाली मैंने, मेरे कपड़े की हालत, मतलब इंद्र देवता ने मेहरबानी की है, इंद्र देवता की मेहरबानी है। इस पे किसी कलेक्टर का जोर नहीं चलता था, किसी एसपी का नहीं चलता, ये तो कुदरत की मेहरबानी। चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ पर, देखिए ये गाड़ी भी निकल गई है। अरे वाह, करंट वाली गाड़ी भी चल गई, अरे वाह जोरदार गाड़ी है यार, ये तो यही लानी पड़ेगा। अच्छा आप यूं क्यों देखी रहा हो, आप जावारी हो जी रहा या नदी देखी रहा? नदी देखी रहा, जावारी तो नहीं हो जी रहा? हाँ जाओ तो बढ़िया, नहीं नहीं नदी में मतलब बटी आगे निकल लो, मैं तो यूं नहीं गिरूं, जाओ बढ़िया देखियो, आप देखियो नदी देख रहे। अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो गबरी वाला भाई भी आ गया, जय माता जी। देखो मुस्कुराते हुए चेहरे पा रहे हैं किस प्रकार से सिसारमा नदी का ये पूरा दृश्य है, जहाँ पर पूरा सिसारमा नदी का आधा गांव जलमग्न हो रहा है। चलिए हम चलते हैं, उदयपुर के सुप्रसिद्ध गांव है सिसारमा गांव, जहाँ पर ये गांव हमेशा जब भी पानी तेज आता है तब इसी प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं रहती है, लोग यहाँ पर देखने के लिए लगातार उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है जो लगभग जलमग्न हो चुका है और लोग देखिए किस प्रकार से नदी जो है वो जा रही है, लोग जो है देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जा रहे हैं जलमग्न की ये रिपोर्ट बड़ी रिपोर्ट है। हमेशा जब पानी आता है तो हालांकि नगरवासियों में काफ़ी खुशी होती है, लेकिन जैसे नदी आती है उस प्रकार से वापस अपने कुछ कुछ बर्बादी के जो है वो अवशेष भी छोड़ के जाती है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार सिसारमा नदी जो है फुल है। मैं भी पानी में जाकर फिर आपको ये दृश्य दिखा पा रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर में क्या कुछ हो रहा है। आप जानते हैं कि सिसारमा नदी जब भी आती है अपने रौद्र रूप में, तो रौद्र रूप में आने का मतलब होता है वो अपने प्रकोप इस प्रकार से दिखाती है, पूछो मत। अगर जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो समझ लो कैमरा भी हमारा फूट सकता है, पानी में डूब सकता है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर है, प्राचीन महादेव जी का मंदिर है जो कि इतना ऊपर होने के बाद भी जलमग्न है। सुबह बता रहे थे कि इसके अंदर तक पानी पहुँच गया था और अभी जो है पानी थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पूरे में पूरा जलमग्न हो गया था सुबह सुबह। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं मंदिरों का, जो पूरे जलमग्न हो गए थे। यहाँ करीब 2 फीट के आसपास पानी जो है भरा था। हम बात करें तो शिवलिंग के पास भी बता रहे हैं कि पानी पहुँच गया था, इतना ज़बरदस्त पानी जो है वो आया था। और अभी भी आप देखेंगे तो पीछे सारे खेत जितने भी हैं वो भरे हुए हैं, कुंड भरे हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ का दृश्य और यहाँ का हाल देखिए, मंदिरों में जहाँ पर साफ़ सफाई पे पोछे लगाए जाते हैं वहीं आज 6 इंची से 8 इंची तक पानी भरा हुआ है। पता नहीं आगे क्या हो, खड्डा है क्या है कुछ पता नहीं, यहाँ कुछ बच्चे जो है यहाँ पर खेलते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पूरा जलमग्न मंदिर पूरी तरह से हो गया है। हाँ तो ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से चलते हुए भी डर लग रहा है, पता नहीं क्योंकि हमें अनुभव नहीं है आगे पता नहीं क्या क्या होगा। ये देखिए वास्तव में देखो मैं, हाँ
कई कई खबर रही सुबह कतरो पानी होटे सुबह तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो सुबह तो ज़्यादा पानी था और अब आगे जाने की जहमत नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं क्या होगा इसलिए वापस चलो। हाँ हाँ 14 फीट ही सुबह सही बात। तो आप देखें मंदिर में चारों तरफ पानी ही पानी। बाप रे बाप आगे कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा। कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं। एक तरफ तो कैमरे को संभालना दूसरे तरफ अपने आप को भी संभालना मुश्किल है ऐसी स्थिति में। देखिए जलमग्न। और मैं आपको दोनों ही तरफ दृश्य इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और नदी अपने रौद्र रूप में है। हाँ हाँ अबर हो पानी बिल्कुल मंदिर में पानी अबर रहता हो। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भगवान भोलेनाथ का काफ़ी वेदनाथ जी का मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है। और देखिए पानी कितना भर गया है। ये देखिए सिसारमा नदी का जल स्तर आप देखो रौद्र रूप में नदी जो है वो बह रही है। कुछ नहीं कह सकते आगे क्या होगा। ये देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे स्थितियाँ बड़ी गंभीर होती जा रही है। और ये देखिए खेतों में पानी जा रहा है और बड़े भाई साहब शूट कर रहे हैं इसको। ऐसा पानी दृश्य पहले आपने नहीं देखा होगा। ये देखिए खेतों में जलमग्न हो गया है। जहाँ खेतों में पानी छोड़ा जाता है वहाँ प्रकृति ने ऑटोमेटिक ही पानी छोड़ दिया। वाह वाह ईश्वर की लीला ही बड़ी निराली है। हाँ जी भैया क्या रहा सिसारमा का हाल। और हमेशा ये इस प्रकार के नदी जो रौद्र रूप आती है ये दृश्य रहता है। जी सर ये लास्ट 2005 में हुआ था अब फिर से 2012 में हुआ है। काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बारिश फिर से आई है। तो काफ़ी समय के बाद बरसात हुई है लेकिन उसकी खुशी है। जिस हेडपंप में पानी आता है उस हेडपंप को देखो हाल देखो आज वो खुद पानी में डूबा हुआ है। आज उसको खुद पानी के बचाने की ज़रूरत है। तो जो तो आप देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ नदी का रौद्र रूप है। आगे हम बिल्कुल नहीं जा सकते। आगे इसलिए नहीं जा सकते नदी का इतना ख़तरनाक रूप है कि उसको हम दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन ये जितने भी भाई खड़े हैं सब भाई इस नदी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि आज मच्छी मार गायब है। हाँ ये तो रोड है। तो दृश्य आप दिखाई दे रहा है देखो नदी का तेवर देखो आप यहाँ से आवाज़ सुनो। यहाँ इन इन इनके बीच में देखो पानी आगे जाने की सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और इस तरफ देखो तो करीब करीब 100-150 मीटर पानी भरा हुआ है। पानी फुल है। यो आई जिलारी नगरी उदयपुर जी। पानी का भाव भैया बहुत तेज है। तो हाँ तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज ये पानी जो है लगातार बहता जा रहा है। और आशा है कि उम्मीद है कि झीलों की नगरी जो है वो लबालब होगी। खेतों का हाल देखिए ऐसा दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जैसा आज मेरे चैनल पर ये सबसे बड़ी रिपोर्टिंग जी को जान को हाथ में जान को हथेली में लेकर ये रिपोर्टिंग आपके लिए कर पाए हैं। खेत देखिए जलमग्न हो रहे हैं सब तरफ से और 12 से 14 फीट नदी का जल स्तर जो है लगातार जो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताइए उदयपुर की बरसात और मेवाड़ की धारा पर झीलों की नगरी में नदी इस प्रकार से चलती है। आप सबने जिलारी नगरी हूँ राम राम। गोविंद लाल और पत्रकार आप सबने बीच में आज एक मोटी खबर लेने आया हूँ। मोटी खबर यह है कि उदयपुर की सब मोटी नदी सिसारमा नदी जो है अपने जल स्तर में रौद्र रूप में बह रही है। आप देखो दृश्य देखो आगे तक नहीं माँ दूध नहीं पायो आगे तक भरी जाए अगर पायो भी वे तो वोंडे लारे वेन पर जाए। तो आप देखी पाई रहो जबरदस्त जो दृश्य है वो देखी पाई रहो हमारे चैनल पे जिलोरी नगरी संस्कृति सभ्यता उदयपुर में जड़ी पे आप जिलोरी नगरी की सुंदर सुंदर खबर देखता रहो और आनंद लेता रहो। आवार देखो अतरो गजब पानी है। पूरा खेत कहीं नंदी कहीं नाला कहीं सब एक भी गया है। अटा तक कि मंदिर कहीं खेत कहीं क्यारिया कहीं घर कहीं रूपाला बंगला में पानी घुसी गया। तो आप देख हाँ वाड़िया में पाड़ी पड़िया ने वाड़िया ने ढाणिया ने सब बंद पड़ी है। हाँ तो भाई साहब अपने अटी रहा हूँ थोड़ा सा अड़ी पड़े तो आप देखो कदरों शानदार दृश्य जो है वो देख ही रहा हो।
और मेवाड़ी स्पेशल मैंने मेवाड़ी या खबर, मेवाड़ी या संस्कृति और मेवाड़ी या परंपरा, मेवाड़ी अपनी कल्चर, मेवाड़ी अपनी भाषा, मेवाड़ी अपनी बोली, अंडे वगैरह तो अपना जीवन है अधूरो। कई क्या यो बढ़िया पानी पड़ियो अपने सिसारमा वाली नंदी जो उदयपुर में सब आड़ी फेमस है, पर नंदी में पानी की आवक चालू हुई है काफ़ी तेज और बहुत बढ़िया पानी पड़ रो है। नाइट में आराम उठा, रात सुबह उठा भी देखियो पानी पानी वी गयो, पानी पानी वी गयो, मंदिर में पानी घुसी गयो, वाड़िया में आड़िया में सब आड़ी पानी पानी पड़ियो, जामला ही हड़वा आया। तो कुल मिलाइन वर्का अत्री बढ़िया मेहरबान भी है, इंद्र देवता की बड़ी मेहरबानी भी है के जनी प्रकार हूँ, इंद्र देवता की मेहरबानी भी है, मन लगी रो यो अद्भुत है, यो करिश्मो है, जनी समय वर्का जो है जावारी उम्मीद में ही वर्का लागी दी रो अबे जाएगा और वर्का जो है ऐसी एंट्री दीदी है कि माड़ा सब रो दिल गदगद कर दी तो है। हाँ भाई पोसनी वर्षियो माँ वर्षियो है घणो घणो मुबारकबाद सब आप लोगों ने। देखो सब रो यो है कि ठाकुर जी किन्नी भूखो नहीं हुआ किन्नी प्यासो नहीं हुआ घना घना जतन कर रहे ज्यादा कर रहे कहीं नहीं है। एक प्रार्थना करो, एक प्रार्थना में देखो या सुबेरी छः बजे आठ छः बजे वर्का चालू भी है और तरह तर भी गयो देखो अटे ने पाचे पूरा मंगरऊँ वह पानी आई रो बूझड़ा अड़ी नू आई रो कहीं खेता खेता में पानी भरियो थो को चार इतर पानी पानी भी गयो बिल्कुल निहाल भी गया वो जय सर। अबे माने तो यो ही कहो है साहब के ठाकुर जी ये वेदनाथ महादेव माने जो फतेह सागर पूरा भर दे उदय सागर भर दे यो पिछुला रो पानी टूर रो आपरे वल्लभ नगर तक जावे यही मारी मनोकामना है। बोल मेवाड़ नाथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखो कि ये जिला ये नदिया ये नाला तो आज नहीं तो काले भी भरा है, प्रकृति की मेहरबानी है, लेकिन मुँह वना लोगों ने कहना चाहूँ जो अतिक्रमण कर दे अतिक्रमण करना छोड़ दो तो जो ईश्वर ने डंकारे हाँ में आपकी कई नहीं चाले एक मिनट में आपकी ये रोड़ा ओड़ा ये बंगला वंगला सब गायब हो जाना है पतो ही नहीं लाग रहा कड़ी कड़ी साइड में क्या कड़ी कड़ी साइड में बंगला परा गया कड़ी साइड में होटला परी गई कड़ी साइड में आपका खेत वाड़ा परा गया कब्जा करना छोड़ दो। नदी है और नदी रो जो तेवर है जो आप देख ही रहा हो कटा तक आई रहो वटू लगाई और लगभग ये 200 फीट रोज मन लगी रहो 200 फीट ज्यादा वेगा यो आप रे हो मीटर रोज मान लो हाँ लगवानी हो टावो है नदी रो स्वरूप बताओ थोड़ा सा क्योंकि यह नदी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यह नदी बड़ी महत्वपूर्ण है और यही है जो आपरी भराव ने रखे है पिछोला रो भराव जो बेवे सीसार मुँह बेवे कई ज्यादा पिछोला रो पानी जो आवे वो हियार मुँह आवे ये अबार मा देख नहीं रहा खुड़िया तू चाल रही है नदी कई कोड़िया तो ऊपर नया गाड़ा नाठी ने लेकिन अतिक्रमण की परिसीमा जो कह दो ने आप के नदी मई ने अरावली होटल अबे अरावली है ताजरी होटल है कौन पूछे नदी रे पेटा महीने वणगी पूरी होटल वणगी आनी तरी कहूँ बहुत सारो अतिक्रमण भी हो नदी रे पेटा में भी हो और कणिंद कणिंदन जैसे आज तीन चार साल पहला वणी रहा थामड़ा ठीक रहा भी गया विस्तरी वेणा है कहीं लेकिन प्रकृति को रोको मत आप प्रकृति को आप रोकोगे तो प्रकृति आपको हमेशा नुकसान पहुँचाएगी प्रकृति का अनादर हो रहा है ये सारा और जिस तरीके से नदी क्षेत्र को और डूब क्षेत्र को पानी के डूब क्षेत्र को जो है उसको बचाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी उदयपुर वासियों की है। तो आओ सब मिलने अपने उदयपुर की रक्षा करा अपने नदिया की रक्षा करा नाला की रक्षा करा अपना स्वयं की रक्षा करा अतिक्रमण नहीं करा और अपने यानी पूरा मेवाड़ा जीव चराचरा जीव की रक्षा करा खेती की रक्षा करा वाड़ी की रक्षा करा पेड़ की रक्षा करा तो मनका की रक्षा करा बेना की रक्षा करा तो भाया की रक्षा करा सब मिलने अपने देश ने एक अच्छो देश बनावा सब एक मजबूत राष्ट्र बनावा विश्व गुरु यूं ही नहीं बे विश्व गुरु बना बाते घनी जहमत उठानी पड़े जदि जैन विश्व गुरु बने और जदि जैन विश्व गुरु री अपा मिसाल दे सका। उदयपुर या सबू मोटी रिपोर्ट आप देखो वेदनाथ जी मंदिर जो है वो पूरा पानी में देखो जलमग्न वे गयो है खेत और नंदी और नाला देखो जो है वे गया है ये जे वाड़िया अपने आप में जो जापल दे रही है वे अबार पानी दे रही है जनी जनी खेता में पानी की जरूरत पड़े मना ने अब दिक्कत यह वेगी पानी निकालवा की जरूरत पड़ गई है जो हैंडपंप अबार पानी दे रहो इन्हें पानी संकट बाहर निकलवा की जरूरत पड़ गई है। तो यह दृश्य आप देख ही पाई रहो हमारे चैनल जिला री नगरी संस्कृति सभ्यता और भक्ति शक्ति और संस्कृति ये देखो ये रूपाला रूपाला भाई देखो एक दूसरे ने पकड़ी चली रहा है वे गया तो गंगी ने घाट तो घणो बढ़िया दृश्य है और अशो दृश्य देखवा बाते देखो जनी प्रकार अटे लोग जावे पर लेकिन आज अटे बिन पानी जाई रो बहुत बढ़िया दिन हुआ आज जो पिछलो रोन फतेह सागर पर वो हैंडपंप ने पानी ने निकालवा की जरूरत पड़ेगी आज तो वो खुद ही संकट में पानी में पड़ गयो वो सब ने पानी पाओ वालो आज गई भी रो नाल खुद पानी में डूब गयो आज
तो 9 बजे नदी चालू तो कुदरती मेहरबानी और हैंडपंप रो दृश्य बताई रहो एक फीट अंडे ऊपर पानी आयो है कुल मिले यो दृश्य आप देखी पाई रहो हमारे चैनल कम पड़ी एक फीट जाओ मेवाड़ की यह माटी इसे माथे पे लगा दो ये राणा प्रताप की धरती है ये राणा पूंजा ये हाकिम का सूरी जैसे महान प्रतापी की धरती है। आप देखोगे इस धरती पर देखो आज नदी का सिसारमा का रौद्र रूप देखो किस प्रकार से 14 फीट लगातार नदी जो है ये बेरी है। झीलों की नगरी की सबसे बड़ी खबर है ये देखिए आप जहाँ लोग चलते हैं वहाँ देखिए किस प्रकार से पानी जो है वो जो छलाछल चला जा रहा है और नदी का दृश्य आप देख पा रहे हैं चारों तरफ आप देखो जलमग्न हो गया है। जब भी सिसारमा नदी जब रौद्र रूप में आती है तो सिसारमा का आधा गांव लगभग पानी में हो जाता है। क्या लग रहा है आपको लगभग खेत पानी में हो जाते हैं और ये मंदिर के बाद पानी भर जाता है घरों में यानी हम ये कह सकते हैं जब गांव को बसाया गया है नदी को उस तट पे बसाया गया ताकि लोगों को कोई नुकसान नहीं हो। हाँ वो तो लोगों को घरों में तो पानी नहीं घुसता मंदिर के बाहर पानी आता और यानी उस समय भी एक पहाड़ी थी ये पहाड़ी थी पहाड़ी के ऊपर इस गांव को पूरा बसाया गया है और पहाड़ी के ऊपर बसाया गया इसलिए वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन आप मेरे अगर देखेंगे तो देखिए मैं पूरा पानी में डूबा हुआ हूं और करीब 1.5 फीट पानी से मैं क्रॉस करता हुआ जो है बाहर निकल रहा हूं और लगातार ये पानी जो है लगातार चल रहा है। उदयपुर की सबसे बड़ी जलमग्न की ये रिपोर्ट है आप सबके देखनी चाहिए उदयपुर जलमग्न हो गया। ये देखिए क्या मंदिर क्या देवरे ये देखिए पूरा वेदनाथ जी मंदिर के अंदर से देखिए किस प्रकार से जो है पानी जो है छल छल करके बाहर आते हुए ये युवा जो है देखो बाहर जा रहे हैं जो मछलियाँ पकड़ते थे अब वो पकड़ नहीं सकते पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। अगर मछली कोई पकड़ता पाया गया तो जेल में मिलेगा ध्यान रख लेना। तो आप देखें कि पुलिस वालों ने भी अपनी कमर कस रखी है जो भी मछली पकड़ता दिखे उसको जेल में डालो। तो वास्तव में आधा उदयपुर जलमग्न हो गया है और काफ़ी सुंदर और मैं जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला तो मेरे को थोड़ी सी गर्म गर्म पानी का एहसास हुआ है। अब ये है कि कहीं जलोक वलोक पेड़ पे नहीं चेट गई हो वो सबसे बड़ी बात है बाकी तो सब ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खबर आज आपको दिखा पा रहे हैं ये जल की रिपोर्ट है ये खबर नहीं है ये हमारे लिए संस्कृति है। ये देखिए हमारे पत्रकार साथी भी सारे आ गए हैं और पूरा इसको कवरेज कर रहे हैं मैं भी आपको दिखा पा रहा हूँ किस प्रकार से गांव में जो है ये स्थिति है। अभी देखिए यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है लेकिन उस तरफ जो है पानी है। काफ़ी अच्छी खबर है इंद्र देवता हमारे उदयपुर जिलों की नगरी पे मेहरबान हुए और ये सुंदर व्यवस्थाएं जो है ये हुई है और कपिल श्रीमाली जी देखो अब जा रहे हैं अंदर देखते हैं क्या होता है और कुलदीप जी विचार कर रहे हैं जाऊं कि नहीं जाऊं पानी देख के जाने की इच्छा कुलदीप जी ऊपर बैठे ही तो कुलदीप जी कैसा लगा झीलों की नगरी में सबसे पहले तो आप पत्रकार साथी हैं स्वागत है आपका और झीलों की नगरी में सिसारमा का ये रौद्र रूप नहीं सिसारमा का ये रौद्र रूप नहीं है हमेशा कभी भी बारिश आती है तो बैजनाथ महादेव मंदिर ये जो नदी जो है ये दर्शन करके भोलेनाथ जी के और फिर वापस नदी की जो पैरा फेरी है उसके साथ में चली जाती है तो काफ़ी अच्छा और सुंदर दृश्य है और ये काफ़ी मतलब बताया जाता है काफ़ी ये 400-500 साल पुराना ये मंदिर है बैजनाथ महादेव का मंदिर है। इस तरफ तो आप दिखाएं पीछे से तो अच्छा रहेगा इस तरफ तो आप देखेंगे मंदिर पूरा दिखाई दे रहा है जी बिल्कुल। तो ये बैजनाथ महादेव जी का मंदिर है सिसारमा का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं सेवा पूजा करते हैं और ये गांव नागदास जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बाहुल्य हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा गांव है और इस गांव के लिए कहते हैं लोग के आसपास ये जो नदी जो अभी यहाँ दिख रही है ये और भी इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा था अभी मकान बनने के बाद में फैलाव थोड़ा कम हो गया और इसलिए ये अभी जो नदी है ये मंदिर तक ही आती है। हम ये परेशान रहते हैं कि अतिक्रमण लेकिन मुझे लग रहा है कि नदी अपना खुद अतिक्रमण हटा देती है। देखो पानी का बहाव कोई नहीं रख सकता पानी अपना जो रास्ता है वो स्वयं निकाल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी का और देखिए किस प्रकार से ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं पूरे गाँव का दृश्य है बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और इस दृश्य को देखने के लिए बड़े भाई साहब आगे हैं पन्नालाल जी स्वागत है। क्या देखा नमस्कार सर क्या देखा नदी फुल चल रही है अभी 15 फीट के आसपास है दिखाओ ये देखो 15 फीट चल रही है नदी 15 फीट है नी 14-15 फीट चल रही है नदी पानी फुल चल रहा है यहाँ अतिक्रमण गए अतिक्रमण वाले सब डूब गए हैं और उनकी खेती बर्बाद हो गई खेती खत्म हो गई। नमस्ते खेती हाँ खेती बहुत अच्छी खबर है
एक घंटे के अंदर देखो नदी आई है बहुत जोरदार वाली, 6 दिन 22 वर्षीय उसमें नहीं आई जैसी ये इस बार आ गई है एक घंटे के अंदर। आप देख पा रहे हैं झीलों के वालों को पता चल गया जमीन कितनी, हम कितने गहरे में है और ये अतिक्रमण करीब करीब करोगे तो डूब जाओगे और नदी करीब 100 फीट चौड़ी होनी चाहिए। ये नदी अभी 40 फीट के आसपास ही है, 30-40 फीट। तो प्रशासन को कुछ करना चाहिए ऐसा, भाई नदी को छोटा किया जाए। नदी को छोटा नहीं किया तो फिर तुम्हें छोटा कर देगी। हाँ, सबको बहा के ले जाएगी। ओह गोविंद जी गोविंद जी, आप वीडियो बड़े बना रहे क्या बात है, पूरा परिवार आओ भाई आओ इधर आ कालू आओ आ जाओ चलो जाओ। तो आप देख पा रहे हैं नदी 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 देखने के लिए पूरा देखो उमड़ पड़े हैं, कैसा लगा? बहुत गजब का लग रहा है। सिसारमा देख के आयो? बहुत ऊपर है सिसारमा, बहुत ऊपर है। तो यहाँ देखिए हर कोई यहाँ पर तारीफ करता दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत नदी जो है वारी, जिलों की नगरी जलमग्न हो यही प्रार्थना करते हैं। और बड़ी संख्या में नदी आ रही है, सभी अपना ध्यान रखे, खेल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। देखिए सब गोविंद जी मजे ले रहे हो? हाँ फुल मजे ले रहा हूँ, फुल आनंद ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाथी घोड़ा पालकी कैसा रहा? बहुत अच्छा, उदयपुर में ये फर्स्ट बारिश ऐसी है जो बड़े उत्साह लेकर आई है, लोगों में काफ़ी उत्साह है इस नदी को देखने का। और आपको क्या बोलूँ मैं, उदयपुर में जो भी है बारिश की देन है, वरना उदयपुर का पर्यटन स्थल ही खत्म हो जाएगा। जिले नहीं बने तो कहेगी जिले की नगरी, पर्यटन खत्म हो जाएगा उदयपुर का भी। यहाँ वास्तव में बहुत बढ़िया बात कही आपने, तो आइए सब मिलकर मिलकर। तो दृश्य आप देख पा रहे हैं सिसारमा नदी का, जहाँ धीरे धीरे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे आप देखें गांवों में भी यहाँ पे काफ़ी हलचल है, सभी गांव ग्रामवासी भी यहाँ नदी को देखने के लिए आए हैं और बड़ी संख्या में ये नदी का पूरा जो है लुफ्त आनंद उठा रहे। आप भी चैनल पे आनंद उठाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और पानी के महत्व को बताएं। झीलों की नगरी से सिसारमा नदी से ये दृश्य था। मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल ओड़, उदयपुर भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल एवं झीलों की नगरी संस्कृति सभ्यता उदयपुर, आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।